गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ NPR कैमरे का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये बॉक्स है आपका, इस बॉक्स में आपका NPR कैमरे आते हैं। इसमें आपका टोटल कैमरे का 3 पार्ट होगा। पहला लेंस होगा, लेंस के बाद आपका ये आपका मॉडल, ये देख लीजिए आप, इसका मॉडल है BT21L10-MD मॉडल है आपका। ये खोलने के साथ सबसे पहले आपको ये देखिए कैमरा है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका GPS होगा और इसमें सारे एक्सेसरीज होंगे, केबल्स वगैरह होंगे, कनेक्टर्स होंगे। उसके बाद ये आपका लेंस होगा, सॉरी GPS अलग से दिया हुआ है, और ये आखिरी में आपका ये हाउसिंग होगा। इसके साथ ये कंबाइंड पूरा एक सेट आएगा। IR रेंज 100 मीटर होगी इसका IR रेंज, ठीक है। कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, S.265 सपोर्टेड है, और इसका जो लेंसेज होगा वो 6mm to 42mm होगा। ये इसका लेंसेज है, बॉक्स साइड कर देता हूँ, और इसमें सारे एक्सेसरीज मिलेंगे आपको, केबल्स वगैरह, कनेक्टर्स वगैरह, आएगा एक कैमरे के साथ। अब इसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, पहले तो मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ कि कैसे कैसे सेटअप करना है, ठीक है। आपका एक NVR भी आएगा जो 5000 सीरीज का होगा। सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले तो इसका IR मैं बता रहा हूँ। ये आपका IR है जिसका रेंजेज 100 मीटर होगा एट नाइट, ठीक है। ये आपका जो इस साइड जो दिख रहा है आपको, ये इसमें आपका AC पावर जाएगा, जो कि ये आउटपुट 12 वोल्ट सप्लाई करेगा, ठीक है। इससे आपका पावर इसका IR का मिलेगा, इसका POE का मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो आप जो चीज़ें देख रहे हैं, ये देखिए, ये LED ड्राइव वाला है, 12 वोल्ट ग्राउंड है, फैन हीट का है, लैंप का है, और POE है। मतलब ये सारे बॉक्स के अंदर ही आएंगे टोटल, आपको अलग से कुछ आपको नहीं करना होगा, ठीक है। ये कैमरा वैसे POE भी सपोर्टेड है, डायरेक्टली आप POE से भी चला सकते हैं, AC पावर से भी चला सकते हैं, TC पावर से भी चला सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। इस कैमरे में आपका सारे फीचर्स आपको मिलेगा, जैसे डायरेक्टली आप पेन ड्राइव लगा करके आप बैकअप ले सकते हैं, या फिर कोई डाटा आप डिजिटल लाइब्रेरी बना करके फीड कर सकते हैं। लैन पोर्ट दिया हुआ है आपका, उसके बाद ऑडियो इन ऑडियो आउट दिया हुआ है आपका, इसमें GPS सिग्नल्स हैं, AV आउट भी है आपका, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी आप कनेक्शन देख रहे हैं, ये सारा अलार्म इन अलार्म आउट, ये DC इन 12 वोल्ट, और उसके बाद आपका ये रिसेट बटन है आपका, ये आपका इसमें SD कार्ड भी लगेगा आपका, ठीक है। इसका मैंने मॉडल बता ही दिया, ये मॉडल ऊपर भी लिखा हुआ होगा आपका, ये कैमरे का है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे कॉन्फ़िगर, कैसे ऐड करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको आपको कैमरे को इसमें फिट करना है। ये देखिए, दो बटन दिया हुआ है, इसमें आपका स्क्रू लगेगा या भी इस साइड से, ये जो बटन था
ये कैमरा आपका, ठीक है। उसके बाद अब लेंस की बारी लगाएंगे। ये लेंस पे ये कवर अप लगा हुआ रहता है, इसको खोलना है आपको। इस पर कभी भी आप हाथ का फिंगर वगैरह नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो फिर इससे क्या होगा कि लेंस डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो तभी ये लगाइएगा कि इंस्टेंट खोलें और लगा दें, ठीक है। सेम चीज़ें इसमें भी है, इसको भी खोलना है आपको। ये खोलने के बाद ये इसका सीमोस बोलते हैं इसको, इस पर कभी भी आप फिंगर टच वगैरह ना करेंगे और ना ही इसमें डस्ट जाना चाहिए। इसलिए जब भी इसको यूज़ करना है तो ओपन करेंगे, फिर इसको क्लोज कर देना है। ये कैमरा हमारा रेडी है। अब इसका हम आगे का लेंस हटा देंगे, ठीक है। अब इसको हम इसमें एडजस्ट करना है। ये जो केबल है आपका, ये साइड वाले पे लगेंगे जहाँ पे ये लेंस लगा हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको साइड रखता हूँ। अभी केबल की बारी आती है। केबल जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैसे मैंने केबल बना रखा था, ठीक है। वैसे आप ये केबल बना हुआ नहीं, आपको इसमें आपको बनाना पड़ेगा। 12 वोल्ट आउटपुट तीन है इसमें, ठीक है। तीन आपको यूज करेंगे कैसे कैसे, एक तो आपका हो जाएगा आपका ये लगा, मैंने इसमें दो आउटपुट निकाला है 12 वोल्ट का, ठीक है। एक आपका चला जाएगा ये पावर में चला गया, दूसरा आपका जाएगा कैमरे में। ये जो केबल है आपका, इसमें चीज़ें एक है कि इसमें आपको कभी भी उल्टा और नहीं हो सकता है कनेक्शन, क्योंकि जिसका इसका जैक है वो जैक उसी में फीड होता है, तो इससे थोड़ा सा आसानी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये जैक में कैसे लगाएंगे, तो लिखा हुआ है सारे पे डीसी 12 वोल्ट, जैसे मैंने बताया था आपको। तो कौन सा डीसी है, 12 वोल्ट इन है, तो केबल भी दिया हुआ उसी हिसाब से, ठीक है। ये आपका केबल जो है ये आपको अर्थिंग के लिए है, तो आप अर्थिंग भी लगाना है आपको कैमरे में। उसके बाद तीन केबल मैंने निकाला था, डीसी का। एक गया आपका आयर के लिए, दूसरा गया आपका कैमरा के लिए, और तीसरा गया ये पीओई के लिए पावर, ठीक है। अब ये छोटा सा आप लैन केबल बना लीजिएगा, उसके बाद एक का पीओई से लगा देना आप, और दूसरे को आप यहाँ पे इसमें जो लैन पोर्ट है उसमें आपको लगा देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसको ये जो पोर्शन है ये खोल लीजिएगा। किसी किसी में ये नहीं रहेगा बिल्कुल, ये ब्लैक जो आप देख रहे हैं रबर, ये रबर वाला ही रहेगा आपका। ये बिल्कुल किसी से में रहता है, तो आपको रबर के हिसाब से आपको होल कर लेना होगा इसके, बाकी वो सेटिंग सब में सेम ही रहेगा कसने वाला, ठीक है। किसी किसी में अगर ये नहीं मिलेगा तो किसी में ये कटा हुआ रहेगा, किसी में नहीं कटा हुआ होगा तो आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। साथ में आपके साथ ये मैंने बताया कि इस सीरीज में ये केबल के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये आपको केबल के लिए ये इसमें लगेगा ऐसे इस तरह से, और इसको जो है आपको अंदर से आके कसना होगा।
ठीक है, तो लॉक हो जाएगा आपका। ये एक तरीका है, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको आप खोल लीजिएगा, ठीक है, इसको अंदर से डाल लीजिएगा इस साइड से, ठीक है, और ये आपको इधर से आपको कस जाएगा ऐसे इस तरह से, ठीक है। याद रखिएगा इसका ये कैमरा है आपका, इसका माउंट करने वाला जो होगा वो भी इसी में लगता है, और वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा, जो पोल माउंट जो आपका होगा, ठीक है। अभी तो मुझे हैंग करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट आपको मैं बता रहा था कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। ये हमारा एसी केबल होगा जो इसी में से आएगा अंदर से ही, और ये जो आपका है केबल, यहाँ देखिए इस साइड L और N, L और N जो आप देख रहे हैं ये केबल इसमें लगता है आपको, ठीक है, आपको L और N जिसमें आपका है, क्योंकि ये उल्टा होता नहीं, L N किसी भी लगा सकते हैं, क्योंकि AC पावर होगा आपका, तो ये आपको ऐसे केबल लगेगा आपको इसमें से, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, का दिया L मतलब पॉजिटिव, N मतलब न्यूट्रल, ठीक है केबल। अब इसको हमको AC पावर देना है। ये मैंने किया क्या है अभी, ये लैन केबल मैंने यहाँ से, मैंने इसे अंदर से और निकाल करके इस पर लगा दिया है, ठीक है। इस लैन केबल को मैंने यहाँ लगा दिया है, जैसे ही मैंने एसी पावर दिया ये सारा कुछ ऑन हो गया, ठीक है। अगर आपके पास पीओई नहीं है ये, ठीक है, तो आप फिर ये केबल यूज़ कीजिएगा पावर देने के लिए। आप, मैंने क्या बोला था कि इसको आप 12 वोल्ट DC से भी चला सकते हैं, पीओई से भी चला सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे अभी लगा दिया है। अब इसका मैं ऑन करने के लिए मैं ये NVR लिया हूं, जैसे मैंने आपको बताया कैमरा, जैसा मैं बताया आपको, सेटअप कंप्लीट है। अब इसको हम इसको बंद करते हैं। हमने दिया क्या है, एक LAN केबल और एक AC पावर, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। एसी पावर हमने इसलिए दिया है क्योंकि जो इसका आयर है वो एसी पावर से, क्योंकि वो जो आपको अंदर में जो अडैप्टर दिया हुआ है 12 वोल्ट जो डीसी आउटपुट का है, उससे आपका चलता है, आपका पीओई का पावर मिलता है, आपका आयर का पावर मिलता है, तो वो कंपलसरी एसी पावर आपको देना है। अदरवाइज ये रात में काम करता है, अगर दिन में चलाना हो तो आप सिर्फ लैन केबल से भी काम कर सकते हैं, पीओई रहना चाहिए, काम करेगा। अगर पीओई ना हो तो मैंने जो इधर साइड में दिखाया था आपको 12 वोल्ट डीसी वाला केबल, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ऑन करते हैं। मैंने बताया आपको, मैंने 8 चैनल का लिया है, 5000 सीरीज में लिया है आपका, आपका NVR, ठीक है। सेम चीज, कैमरा स्टेशन में जाएंगे या एड आईपी कैम में जाएंगे, लॉगिन करेंगे DVR को, हो गया, जितने भी हैं हम सारे को डेटा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको लिंक जोड़ेंगे हम NVR के थ्रू, क्योंकि LAN पोर्ट तो है नहीं यहाँ पे, तो मैंने LAN पोर्ट लगाया इसमें, और DVR में लगा दिया, ठीक है। अभी मैंने ये मॉडल लिया है, मैंने धौआ का CP प्लस का भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ें हैं आपका, हमारे पास अभी CP प्लस का अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने अभी ये यूज़ किया है। ले सकते हैं, धवा पे भी चलेगा आपका, CP प्लस भी चलेगा। IP सर्च करेंगे, जैसा IP, इसका IP बाई डिफ़ॉल्ट सेम है 192.168.1.250 इसका IP है, सेम डब्ल्यू। ये देखिए, मैंने इसका IP इसलिए अभी किया हुआ है क्योंकि मैंने इसका IP इनिशियलाइजेशन कर दिया है। इनिशियलाइजेशन कैसे करना है उसका मैं वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे मेरा, ठीक है। अब इसको सिंपली मैंने ऐड किया है, जो मैंने इसका IP था वो मैं यहाँ पे डालूंगा, पासवर्ड, और ये पासवर्ड admin@223 मैंने बनाया था, सेम है, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। याद रखिएगा, अभी ये धुंधला आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इसको आपको सेट करना पड़ेगा लेंसेज अकॉर्डिंग टू यू,
कि आपका जहाँ पे भी लगेगा, ये सड़क पे लगना है या किसी अपार्टमेंट पे लगना है, तो आपको लेंसेज एक बार सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका लेंसेज मोटराइज नहीं है, वेरीफोकल है, ठीक है। तो ये जहाँ भी लगेगा वहाँ पर आपको लेंसेज धुंधला है। ये देखिए लेंसेज, ये आपको जो आपको लेंसेज दिख रहा है, ये लेंसेज आपका, ये लेंसेज और एक ये आगे वाला, ये दोनों से आगे पीछे करना है आपको, ये राउंड होता है, ये आपका जो दिया हुआ है वाइड और नैरो करने के लिए, आप आगे पीछे इसको घुमा के कर सकते हैं। अगर आपको और थोड़ा सा अच्छा लगना है तो इसको पास नज़दीक कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये पिक्चर आ गया, अब इसको हम बंद कर देंगे अपने हिसाब से, ये हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं आप सिंपल मसान, ये आपका व्हीकल का टाइप, ठीक है, प्लेट का नंबर, उसके बाद लोगो, किस कलर का गाड़ी था, ये सारा एज इट इज फोटो खींचते चला जाएगा और सामने आपका आते चले जाएगा। इसका जो रिकॉर्डिंग होगा वो तीन पार्ट में आपका होगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग अगर दिखाऊं आपको, मैंने ये आपका इसमें जब भी लगाइएगा हार्ड डिस्क, इसमें दो लगेगा डबल सटा, एक में आपका नॉर्मल रिकॉर्डिंग होगा और दूसरे में आपका सिर्फ और सिर्फ स्नैपशॉट आपका रिकॉर्ड होगा, ठीक है। कल का मैं रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ आपको, ठीक है। टाइमिंग रात में सामने दिखा, ठीक है, ये कैमरा चल रहा है, ये आपका NPR कैमरा है। तो ये जैसे आपका नॉर्मल चल रहा है आपका ये रिकॉर्डिंग, ये वाला आपका ये नहीं आपका, जैसे आपका नॉर्मल रिकॉर्डिंग चल रहा है आपका वो है आपका, साथ में आपका जो नंबर प्लेट वाला आएगा वो कहाँ जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दहुआ में है, CP+ में स्मार्ट प्लेबैक का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, और व्हीकल वाला डिटेक्ट करना है तो व्हीकल डिटेक्शन, क्योंकि ये जो NVR है ये फेशियल रिकॉग्निशन, फेस डिटेक्ट, ठीक है, पीपल काउंटिंग, हिट मैप, सारा कैमरा सपोर्ट करता है, सारे फीचर्स वाले, इसलिए ये सारा फंक्शन दिया हुआ है। आपका जो कैमरा है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि आप NPR लगा रहे हैं तो व्हीकल डिटेक्शन में क्लिक करना है, ठीक है। कैमरा नंबर जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कीजिएगा, डेट एंड टाइम सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, और स्मार्ट सर्च भी कीजिएगा। स्मार्ट सर्च पे जाएंगे तो जितनी भी गाड़ियां आएंगी वो सारे का सारा नंबर प्लेट के साथ ये फोटो, जो गाड़ी का जो फोटो होगा एक्चुअल में, वो आपका साथ में एक पार्टिकुलर, एक डेडिकेटेड, एक नंबर जो होता है नंबर प्लेट का, वो भी वो मैं वीडियो में डाल दूंगा, जहाँ पे मैंने इंस्टॉल करवाया है साइटों पर, उसका भी मैं दिखा दूंगा डेमो आपको, थोड़ा सा वीडियो में ऐड कर दूंगा। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर नॉर्मली क्लिक करेंगे किसी पर भी तो ये 5 सेकंड का वीडियो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है इसमें, ठीक है। ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये 5 सेकंड का वीडियो यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। तो इससे जो है सो कि जो लाइव रिकॉर्डिंग होती है वो तो होती ही होती है, साथ में आपका इंस्टेंट प्लेबैक जो है 5 सेकंड का वो भी आपको ले लेता है, साथ में मैंने बोला आपको फोटोज और नंबर प्लेट का कैमरा, तो टोटल आपका 4 एविडेंस हो गया, एक कैमरा ये काम कर रहा है आपका, ठीक है। एक चीज़ और इसमें है कि अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं इसके अलावा, जो आपके पास डेस्कटॉप होगा तो उसमें आपका एक्सेल शीट में अगर आप चाहते हैं तो एक्सेल शीट में आपको मिल जाएगा महीने में कितनी गाड़ियाँ गई, ठीक है, वो सारा आपको इसमें मिल जाएगा। एक चीज़ और इसमें कर सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी का नंबर प्लेट आपको ट्रेस करना है कि इस रूट से अगर गाड़ी गई तो गई है या नहीं गई है, उसका नंबर प्लेट क्या है आपको पता है, यहाँ डालेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने के साथ ही आपको ये सारा आपको डिटेल आपके साथ आप सामने आ जाएगा कि ये गाड़ी गई तो किस डेट में गया है, किस टाइम में गया है, ठीक है, विथ फोटोज विथ वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो ये था ओवरऑल जो आपको कह सकते हैं NPR का, मैंने इंस्टॉलेशन बताया आपको, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है उसके साथ।